ओहो भाई, एयरपोर्ट से उतरते हुए सुनी हुआ था बैग दो टी शर्ट तार कर, मतलब कॉटन वाली टी शर्ट थी, गर्म भी ना पहन रहा था। ईब कमरे में भीतर आते मतलब चार्जिंग वाला है बिना काट दिया गोज में था, पावर बैंक करिए सबसे पहले टी शर्ट काट दिया, मगर इससे ना दूर कर दो भाई। रूम टूर भाई कुछ इस प्रकार का है, यू हमारा यू गेट से आड़ चाबी घाल दी, ये अलमारी है, शीशा है, मैडम है, यू बाथरूम है, छोटा मिनी कॉम्पैक्ट साइज रूम, क्योंकि यहाँ पे आज हम सिर्फ 2 या 3 घंटे ही रुकेंगे और उसके बाद हमारा क्रूज आगे का, और उससे पहले हमारी एक दो साइट सीइंग है जा मारे। और भाई सबसे जरूरी बात तो मैं तरते बताने भूल गया, तो हम आए किसा, तो हम आए हैं भाई अंडेमान और निकोबार। और यो प्लान बना है कतिए कतिए झटके थे, प्लान पहले कुछ और था, प्लान था हमारा मालदीव जाने का हम दोनों का, फिर ड्यू टू फ्यू रीजंस वो चेंज हो गया एक फैमिली ट्रिप पे, तो मैंने वो सारा प्रोग्राम रचा है प्रॉपर एक वेकेशन ट्रिप के उस, जिसमें मैं अपने लगभग सारा फन देने की कोशिश करूँगा जो एक फैमिली के बीच हुआ रहा, खास कर एक हरियाणवी देसी फैमिली जब बाहर घूमना आ जाते के रचे आगरे। और उस तेनारा भाई ट्रैवल व्लॉगर्स तो मतलब अपने हिसाब से ज्ञान देते रहे यार प्रोफेशनल, मैं अपने इन्फॉर्मेशन दूंगा, अपडेट दूंगा क्योंकि ग्राउंड रियलिटी के भाई की असलियत है, के सिस्टम है, क्यों करवाया करे, कितने का पड़ा करे, जो भी एक्स वाई जेड हुआ ट्रिप की डिटेल, तो ये मेरा बहुत चपचप हो रही है, तुम देखते भी होगे, मैं नहा लूँ भाई ठीक है, और ढाल तो सोए हैं जहाज में और ढाल के कपड़े लत्ते हो गए उड़े, तो मतलब रात न चले थे तो थोड़े बहुत हल्के जाडे के हिसाब के, तो मैं 1 घंटे की नींद ले लूँ और नहा धो लूँ, लंच कर लूँ। सी यू, ईब सब्सक्राइब कर दियो क्योंकि अगले जो व्लॉग आने लग रहे हैं ना मस्ती तो भरपूर है, और थम मोटिवेट करते रहो और मैं कंटेंट का लेवल ऊपर करता जाऊंगा। ठीक सब, राम राम। हेलो भाई, नमस्कार, सत श्री अकाल, राम राम, स्वागत आप सबका नए व्लॉग में और पहले ट्रिप के व्लॉग में। और आज है ट्रिप का डे 1, हम सुबह आके रेस्ट करके और अब जा रहे हैं दोपहर में, तकरीबन बजे होंगे 2:30 बजे होंगे, लंच में करके सोया था भाई, उठ के सिर्फ नहाया धोया हूँ और ये टैक्सी वाला आ गया, वो लेके जाओगा हमने कितने 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 कितने, मैंने भी ना मेरा फालतू डिटेल में, बाकी नॉर्मल नॉर्मल बात मेरा ही क्यों बताऊँ, व्लॉग देखो और इन्जॉय करो। और गणाए दौड़ा हो गया था खू गया, तो यो भाई आ गया, हमने लैंड एयरपोर्ट पे भी यो आया था, और मेरे ख्याल में पोर्ट ब्लेयर सिटी में हम जितना भी घूमेंगे यो है भाई असिस्ट करेगा, फिर जब आगे जाऊंगे तो शायद कोई और करेगा, जितनी मेरी अंडरस्टैंडिंग है। तुमने लगता होगा मैं अपने व्लॉग का दरबार चेक करूँ ना भाई, कौन फालतू डेसिंग आया हुआ कमेंट करके बताओ, तावड़े से प्लीज प्लीज, मुझे बता दें मैच हो रहा है इससे मेरे फोन का, तेरी शर्ट का हुआ और नीचे तेरी ब्लैक मेरे इसका हुआ, चीटिंग करती है मुझे कॉपी करती है, कॉपी कॉपी, वेट कर रहे हैं भाई मम्मी पापा गुड्डू का। मुझे ऐसा लगता था कि मैं पूरे ट्रिप में उन्हें लेट करूंगा, लेकिन पहले ही दिन पहले ही आउटिंग पे मैं टाइम पे हम विजेता रहे, और जिसमें मैं तो अभी उठा था बिल्कुल ही 10 मिनट पहले, 10 मिनट में सारे प्रोग्राम करे मैंने, तो सरदार खुश हुआ शाबाशी देगा, चेहरे पे थोड़ा ज़्यादा सा ही कंट्रास्ट आ रहा है, बाहर धूप इतनी ज़्यादा तेज जाए, हमारे चश्मे लगाए मैंने मदीदे कूट जा, सुबह एयरपोर्ट से निकले जब तो वो था गादड़ गादड़ मौसम था, मतलब बादल से हो रहे थे, बट अभी इट्स टू मच ब्राइट। तक और तगड़ी बात बता दूं, रुक जाए बंद ही हो गया, थम जाओ, मैं उल्टा कमरे में जा खता रहा हूँ क्योंकि मैंने यहाँ पानी की बोतल उठानी थी क्योंकि मैंने प्यास लग रही है, इसको ले ही चलते हैं एक बोतल तो है, तो ये मैंने रिसेप्शन में पूछी मैं छोटी वाटर बोतल है क्या, तो अभी मेरे को पता लगा कि छोटी वाटर बोतल पोर्ट ब्लेयर में बैन है, मतलब 1 लीटर वाली आती है ना छोटे में जो शैशे वाले आ गए मेरे ख्याल में उनका तो इतने बेरा भी ना होगा, 2 लीटर वाली आओ सीधी, जो पानी मांग लिया तो 1 मटका भर के दे देंगे, मतलब जो दे देंगे।
पहला विजिट करनी है वहाँ छेड़। छेड़ के बारे में आपने सुना हुआ नहीं सुना हुआ तब दिखाएंगे, जितना मन भी रहा हो उतना बता दूंगा। फिर हम जाएंगे कौन से बीच पे, कार्बन को बीच, और फिर वापस जेल जाएंगे इवनिंग में लेजर शो देखने। और उसका टिकट टाइट का प्रोसीजर समझाऊंगा भाई। हाँ ऐसी लग रही है कि हाँ बीच वाली वाइब है इसमें। और हरियाणा रोड में उल्टी का पान का कुछ लगा होता, पान का नहीं, किसी ने उल्टी भी ना गिर रखी। मम्मी जैसी गिरती चल लग रहा ओड़ ओड़ क्यों गई थी, चलो मम्मी को दवाई ले लेती है। मम्मी का नाम था ना, मम्मी दवाई लेती है भाई। आज मैं मम्मी ने दो डोज तो ले ली, ये तीसरी क्या ली है लिया सर के दर्द के लिए, टोटल तीन गोली ले ली घर से लेके और होटल पहुंचन थी, मतलब आधे दिन में, पहले ट्रिप के आधे दिन में गले चल रहा पूरा मेडिकल स्टोर। सुबह को मम्मी को बहुत शाम में अर मन्ने मम्मी तो कही जहाज में लगाओ कॉटन वो मत लगाओ, रूई मत लगाओ, दुनिया का जब बता आपकी ढड़का ना हम चीज हुई थी भाई, वो एयर प्रेशर हुआ करे तो कान बंद हो जाएगा एक बार, तो आपने थोड़ा सा निकल लो या चुंगम खा लो तो बड़ी आ रहा है आगरा। अरे मम्मी ठूस रही उनमें और लूई माचे चीज न्यू पकड़ के बैठी। और मैंने लास्ट में मैंने ना पायलट को बोल के कही भी मगा भाई चुंगम हो सके के बोला यार मेरे बैग में बहुत नीचे दबी हुई है, अभी निकाल दिया ना तो सामान उल्टा ही डलेगा। लास्ट में चुंगम लाया भी या सोए थी, उसने मेरे चुंगम हाथ में धरी, इसकी आँख खुली, इसने फट में पकड़ के रुका लिया, इतना उजा लिया, इतना दूसरी लेता उस तैयार पायलट जा लिया, मतलब था को पायलट था। मम्मी की सब ताक करवात थी एयर होस्टेस का, तो ये हमारी गैल चल रही उतरती क्यों ना ना है यू कहती ना ये भी उतरेंगी क्या कहता गुड्डू बोली ये उतरे नहीं, हाँ ये उतरे नहीं गुड्डू ने बोली ये ना उतरे, ये तो गैल जागी बारी ना, वो तो पूरी फ्लाइट के दौरान करनी पड़ा ना उन्होंने वहाँ सेटिंग सी, तो चाह पानी मैंने कहवा असिस्टेंस, तो मतलब पूरी जिम्मेदारी लगभग लगभग उनने की हुआ है जहाज के भीतर की, ना ना साफ है बिल्कुल, ऐसे मनसा लगने वाला शहर है ना। और इससे यह पता चलता है कि सिटीजन अच्छे हैं। हाँ वो जिम्मेदारी लेते हैं ना, अगर यहाँ अपने यहाँ पे इतनी जो सफाई है मतलब लोग खुद ही रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं, मतलब गवर्नमेंट वगैरह देखते ही नहीं, मतलब ऐसी रोड साइड में ना चलते चलते जो गाड़ी से फेंक देते हैं उस तरह यहाँ में कोई करता नहीं। अच्छा कोई करता तो उनसे जैसा छोटा बच्चा है गाड़ी में वो फेंक दिया वो बहुत अलग है, लेकिन बड़ा कोई नहीं करता ऐसा। और अगर कर दे तो मतलब फाइन है कैसे नहीं, क्या ऐसा कुछ नहीं है, मतलब खुद से ही लोग मन से ही करते हैं। जो टूरिस्ट आते होंगे नॉर्थ इंडिया से वो तो फूड करते हैं। नहीं सर उन लोग भी देखिए सर ऐसा है ना जहाँ पे साफ सफाई रहता है ना वहाँ पे सब सोचते हैं कि यार मैं ही क्यों फेंकूं यहाँ पे, जब यार कोई नहीं फेंक रहा तो अच्छा नहीं लगेगा, खुद से अच्छा नहीं लगेगा। वो अंदर से कोई होता होगा सौ में से एक फेंक भी देता होगा। रोड की कोई भी एज देख लो कोई भी एज कहीं से भी, हम रोड के लेवल से 6-7 किलोमीटर तो आ चुके हैं, ऐसी साफ सफाई है बिल्कुल हर जगह अब तक, तो आगे का नहीं पता कैसा क्या होगा, लेकिन किसी भी जगह कहीं पे भी देख लो कोई डस्ट धूल या कोई पेपर पॉलिथिन कूड़ा करकट कुछ नहीं है। ज्यादातर ना ऐसे ऊपर नीचे पहाड़ी टाइप से एरिया है, कोई रोड नीचे जा रहा है जैसे अब भी हम यहाँ से ऊपर चढ़ रहे हैं। और आप यहाँ से सरयू जेल का एकदम गेट के सामने ड्रॉप पिकअप नहीं है, ठीक है, हम लोग के लिए अलग से पार्किंग बना हुआ है, आप लोगों को थोड़ा वॉक करना पड़ेगा, ठीक है। उसका रीजन इसलिए है क्योंकि जो सरयू जेल है उसका ऑपोजिट जो रोड है उसमें हॉस्पिटल है, ओके, और वो रोड बन गए हैं तो एम्बुलेंस को आने जाने में मुश्किल होगा क्योंकि एक गाड़ी अगर ड्रॉप करेगा ना तो बाकी गेस्ट भी बोले हैं कि वो गाड़ी जाके ड्रॉप करता है, तो भाई यार टिकट मिल रहा है 30 रुपये की, पर इसमें लेजर शो इंक्लूडेड नहीं है, सिर्फ सेलर जेल की विजिट है, लेफ्ट साइड से मिलती है और यहाँ राइट साइड से एंट्री है इसकी। अभी आया है पहले यहाँ से बीच वाली लुक तो गुड्डू की है पूरी, गुड्डू पहनी हो चश्मा, एक नंबर लुक है चश्मे की इसकी, तू अलग है तू करंडे मान आ रही है।
हम तो इसे हैं जुगर करोल बाग आगे ₹200 यो मोटे वो है जो स्कूल में पीटीआई हुआ अगर लाइन में लगो आड़े खड़े हो नहीं करो सुंदर यार आर्किटेक्चर देखिए कितना लाजवाब है और कोई आज की है नहीं तो सुंदर है हाँ और अभी आपने यहाँ बुलाया था 200 पालतू रहने भाई पर ये सी सी बात मत करें नून आ जाओ इतने नून आ जाओ ये नहीं उठी जानी 45 मिनट का समय लगेगा ट्रैफिक गाइड मैं आप लोगों के साथ रहा365 दिन और एक महीने में 48 सिलेंडर लगा करें इन दोनों की उसमें यूटिलिटी में और ये 7 डाल के थे भाई स्टार शेप में थे वो तुमने उपाच्य भीतर मॉड्यूल देखा होगा ये भी इसमें 3 बिच रहे हैं बाकी 4 ख़त्म हो गए थे सेकंड वर्ल्ड वॉर में जब जापानीज ने अटैक कराया था और इनमें रखा था वाड़े दिया रहे थे भाई फांसी इकट्ठे 3 बिते भी दे दिया रहे थे हाँ और भाई उड़े तक करके वो सारा मामला और फिर इस वाले गेट में था सीधा बाहर समुंदर में फेंक दिया रहते और भाई उड़े तो वो फांसी का था जो हट थी और आड़ है उस तो पहले ला के आखिरी क्रिया कर हम नवाना धोना जो भी लास्ट रिचुअल आया रहते ये लिख रखा और उस भाई ने बताई थी जुकर एक बिल्डिंग था नून है एक नून है बाहर तो दिखाई होगी दिखा दूंगा दोबारा इनके बीच में नून सजा दिया रहते भाई हाथ पाँव के पूरे बांध दिया रहते और पछवाड़े पे इतने भी मार दिया करते खून लिखड़न लग जा या कमर पे पाँव पे जित भी मतलब एक जगह पे इतने जब तक खून ना आवे पनिशमेंट की ड्रेस चैन बार भाई मतलब आज भी देख के मतलब बट अगर इमेजिन करें हम कि एक्चुअल में जब दूर दूर तक यहाँ कोई नहीं होता था कितनी डरावनी होती होगी या मतलब या जेल अब तो चलो टूरिस्ट प्लेस सा बन गया है उस टाइम पर ताड़ा आते आदमी का आधा जी तू लिखट जा जिस हिसाब से बना रखी है ये तो भाई लाइट वाइट ला रखी है बाकी आड़े कुछ भी कोई भी सुविधा नहीं थी और ऑलमोस्ट 700 सारे आइडेंटिकल और सारे डार्क न्यू मैन गोपन दे रहा हो जा और इस समोद दे दिया रहते एक मिट्टी का बर्तन जिसमें अपना टॉयलेट कर लो और 2 लोहे के बर्तन दिया रहते खान पीन के लोहे जाके खतर दिया रहते और खाना ज़्यादा टाइम ना टिक खराब हो जा और खाना में एक दिन पुराना दिया रहते जो अगर आज जो खाना सर्व कराया है वो काल बनेगा तो मोस्टली लोग बीमार रहा करते आड़े और जितने बीमार रहोगे उतने कम स्ट्रेंथ रहेगी पड़े रहेंगे चुपचाप पिटते चलते रहेंगे फालतू चू चुपाड़ ना करेंगे तो यह उनकी वो थी स्ट्रैटेजी पाछली और मैंने ही पाछली क्लिप में नोटिस कराया कि बहुत येलोइश आने लग रहा है मेरा ना क्यों मे बी बिकॉज ऑफ दिस कंट्रास्ट ऑफ दीज ब्रिक्स और ऊपर से जो चौंधा लागन लाग रहा है अकबेरा ना कि मैंने ना मेरा मतलब एडजस्ट कर लिया थोड़ा देखिए चोर क्लिप में भी आ जाओ तो बाकी मैं कोशिश करूँगा मैंने फ्रंट कैमरा कराया इसमें थोड़ा ठीक है
और हाँ, जो हम कह रहे थे काला पानी की जेल, भाई यो वर्ड आया था काल, सजाए काल पानी, काल मतलब समय, मतलब उड़े आपका सारा काल निकलेगा, उड़े मृत्यु होगी, तो काला नहीं था वो टेक्निकली जो वर्ड, वो काल था, इसमें इसने बताया, बाकी तुम कितने क्रॉस चेक कर लियो, मैं नहीं उठता हूँ इतनी फालतू किसी की। आड़े थी बाबा फांसी वाली जगह, उड़े तो हमने एंटर कराया था, ये बतावा है किसकी ये वाली सेल थी। पता नहीं भाई अभी उसी टाइम का है बाद का बना हुआ, ये थे भाई दो लोहे के बर्तन खान पीने वाले, और यो है काम वालों डना डनका। जिस हिसाब की आड़ है इस मौसम में गर्मी है, सही गर्मियां में तो भाई इन कोठड़िया में जल जाते होंगे, भूख तो मारते तो बेरा नहीं, गर्मी तो जरूर पाँव थल जाते होंगे। और एज अ मैटर ऑफ फैक्ट यह बात बताई है उसने, केवल 85% लोग आड़े थे सरवाइव करके बाहर निकले थे, ना तो आड़े ख़त्म हुए थे। तो ये पापा चल रहा इसके टॉप फ्लोर पे, जो मतलब ईव इंडियन गवर्नमेंट ने बना दिया हो ना, तो जो सात मीनू वो थे स्टार से बन रहे थे, इनका बीच में कोई कनेक्शन ना था, कनेक्शन हटा रखा था अंग्रेजा ने ताकि आपस में मिल ना सके, तो इंडियन गवर्नमेंट ने ही बनाया है, और वे सात थे न्यू, ये तीन रह रहे हैं, और बाकी मैंने बताई थी वर्ल्ड वॉर टू में जापानीज ने जब हमला करा था तो वो हुए थे के डिस्ट्रॉय। तो ईब उस एरिया में भारत सरकार ने बना रखा अस्पताल, जी बी पंत नाम थे, किस नाम थे बताओ था, और ईब इन तीनों का कनेक्शन भी बना रखे, और बीच में सेंट्रल पॉइंट जितने पूरा एरियल व्यू दिखा है पूरे आईलैंड का, इस पूरे एरिया का मैंने देखा ना, सुना है, देखूंगा ईब जाके फिर थे दिखाता हूँ। अब पूछो यहाँ से क्या सीखा मैंने यही सीखा कि ऐसी जेलों से अगर बच के रहना है तो अपने कर्म अच्छे रखने चाहिए। भाई लिटरली नीचे से कुछ भी ऊपर नजारा वर्थ इट है, एक नंबर। और जो अभी गवर्नमेंट हॉस्पिटल ने थोड़ा काम खराब किया है, नहीं अभी जो तीन विंग्स दिखाए थे वो जेल के हैं, और जो बाकी विंग्स थे जहाँ पे हॉस्पिटल बना था वो ये एरिया है, ये वाला है सारा, बहुत सारे लोग पता नहीं कितना दिखा पाऊंगा उस साइड तक, और ये इस साइड की तीन विंग्स जो हैं ये बची हुई है अभी, पहले यहाँ पे विंग्स होती थी इसी की, जिस भी डायरेक्शन में होती थी वो जब डिस्ट्रॉय हुई, तो ये हॉस्पिटल है जो बना हुआ है, अगर नीचे दिख भी रहा हो तो हॉस्पिटल का ये बोर्ड लगा हुआ है अब भी, अल्ट्रा सिटी स्कैन, एक्सरे सिटी स्कैन, हाँ एक्सरे सिटी स्कैन और अल्ट्रा सोनोग्राफी जो भी है, मतलब ये वो डिपार्टमेंट होगा, सारे अलग अलग डिपार्टमेंट है, मतलब ये पूरा था काला पानी का जो जेल कार थे पूरी आती। यस स्टारफिश वाला ज्ञान मैंने बच्चों को दे दिया, यार तू की आंखें अब केला रही है कॉलेज, ना बताने ना, हम तो कालस कह रहे हैं, काजल दो रंग की थोड़ी है, तो दो रंग की है, दो रंग की का है, एक ग्रे एक ब्लैक। वाइट कलर को कह रही हूं मैं, तो गुड्डू की लुक पसंद आई, टॉप भी बढ़िया है, बीच वाला है, चश्मे भी गोल वाले सूट कर रहे हैं इस पर, गुड्डू का है 10 में से 10 नंबर। तो ठीक है इस व्यू को करते हुए बाय बाय, एक्चुअल में बहुत बढ़िया, और यहाँ पे खड़े होके ना भाई इसमें इतनी बढ़िया ठंडी हवा लगने लग रही है, नीचे उस पैच पे बहुत गर्मी लग रही थी। हाँ सीधा यहीं ऊपर आ जाना, पूरी जेल दिख जाएगी। हाँ जेल का जो आर्किटेक्चर है ना, नीचे आर्किटेक्चर देखने का भाई, जिसको पुरानी चीज़ों में दिलचस्पी हो उसके लिए तो बढ़िया, पर ये व्यू आर पार है भाई, यहाँ से जेल भी दिख। तूने रूम में पानी मंगवाया था, मंगवाई हो, यही बोतल आएगी 2 लीटर वाली, यहाँ भी 2 लीटर की है देख ले, वो भी 2 लीटर की है, अभी बैन है यहाँ पे 1 लीटर वाली। हाँ
सिर्फ 2 लीटर की पानी की बोतल है यहाँ पे, 1 लीटर वाली सारी बहन है, पता नहीं है तो ले लिया। गुलिया भाई जब लोग देखता हो तो नहीं बताइए तेरे गन्ने लेने के अंडे बांधते, ऐसे ही जाएंगे भाई बीच पे, ऐसे ही जाते हैं पहाड़ों में, थोड़ी आई हुई है पहले दिन चिक लिया तो पसीने तो आएंगे। सबको पसंद आया भाई, सब ने दूसरा ग्लास का ऑर्डर पेश कर दिया है। हो गया आप दिमाग ठंडा, बढ़िया यहाँ से यहाँ तक ठंडा हो गया तो मेरी फोटोज भी ऐसे आ रही है। अब शायद यो ग्लास का साइज था भाई, और यो था 50 रुपये का एक ग्लास, तो 500 रुपये का तरो ताज़ा जूस पी गया। चोई साहब निकल रही है बीच की तरफ, के नाम बताया था उसने बीचा गुड्डू कोंग फी बे मतलब ऐसा ही कुछ था, फैंसी सा नाम था, तो अब वहाँ निकल लेते हैं। बाकी सही में रिफ्रेशिंग सा हो गया काफ़ी ना, जूस पी के सारी गर्मी सी और थकान सी लिकट गई, भूख भी लागन लग रही थी, तो फिलहाल इतनी भूख सेटल होगी अब बीच थी पहुँच जा, उड़े जाके कुछ जो मिलेगा खाने पीने का फिर खा लेंगे। अब यहाँ से कितनी देर का, क्या नाम था बीच का, कार्बिन कोप, यार याद तो नहीं रहेगा भाई, कोई आसान सा नाम नहीं है जैसे कार्बिन बीच, राम श्याम कार्बिन बीच बोल, कार्बिन बीच चलो कार्बिन बीच बोल देते हैं। ये लो भाई साहब, क्या बढ़िया था मोटे, गन्ने का जूस या सेंडर जेल, गन्ने का जूस बढ़िया। पापा कैसा लगा, मैं तो सीनिक ब्यूटी के लिए आई थी, हेरिटेज दिखाने लगी। तब कितनी देर का रास्ता है, 15-16 मिनट में तो लोग बहुत खिंच जाएगा, उड़े जा रहे देखते हैं कि नहीं।